ड्रामा है, ट्रेजेडी है। यमला पगला दीवाना। क्या धर्मपाजी लगा रहे हैं सेटिंग? क्या है फिल्म के डीले की वजह? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है वालीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अपने तो अपने होते हैं, ये गाना अभी देओल खानदान के घर में बज रहा होगा क्योंकि अब सारे देओल्स एक साथ एंट्री लेने के मूड में हैं। हाँ, धर्मपाजी भी पीछे नहीं रहने वाले इनमें। उम्र हुई तो क्या हुआ, छोकरा जवान है। मजे की बात छोड़िए, न्यूज आई है कि जल्द ही अपने टू हमें एंटरटेन करने के लिए हाजिर होने वाली है। वैसे अभी बॉलीवुड में सुपरहिट फिल्मों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है और उनके सीक्वल्स बनाए जा रहे हैं, तो इसमें डायरेक्टर अनिल शर्मा पीछे क्यों रहे? अपने फिल्म को ऑडियंस ने सुपरहिट बनाया, इसलिए अब देओल्स और अनिल मिलकर सेकेंड पार्ट पर काम करने जा रहे हैं। धर्मेंद्र, सनी, बॉबी के साथ गोरा चिट्टा करण देओल भी इस फिल्म का हिस्सा होगा। एक्साइटिंग न्यूज है ना? जितने आप एक्साइटेड हैं, उतने ही एक्साइटेड सारे लोग हैं। पर सच कहें तो उन्हें अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल करके दिमाग से काम लेने की जरूरत है। क्यों? भले ही देओल खानदान का बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा नाम हो, पर किसी ना किसी वजह से ये ऑडियंस और फिल्मों से दूर रहे हैं। बॉबी और सनी को भी ये लंबा दौर काफी महंगा पड़ा है। अब करण इस फिल्म में शामिल हो चुके हैं तो उन पर भी ज्यादा फोकस करना काफी जरूरी है। अपने परिवार को लेकर काम करने की खुशी एक तरफ और इस बार ऑडियंस के दिल में उतरना और उन्हें एंगेज रखने के लिए नया कंटेंट लाना दूसरी तरफ, क्योंकि अपने एक ह्यूज सक्सेस पाने वाली फिल्म रही, इसलिए सेकंड पार्ट में भी ऑडियंस को उतनी ही दमदार कहानी और कैरेक्टर्स की उम्मीद है, खास करके करण से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझे फिल्म थिएटर में आने से पहले ही डेंजर जोन में आ जाएगी। पर धर्मपाजी ऐसा नहीं होने देंगे, उन्होंने अनिल से दुगने इमोशनल टच, फैमिली वैल्यूज की उम्मीद रखी है और साथ ही करण को भी इस तरह फिल्म की द चेरी ऑन द केक बनाया जाए, इसलिए बातचीत की जा रही है, क्योंकि दादाजी अपने पोते को काफी प्यार करते हैं। अब बात करें कि फिल्म की रिलीज को लेकर, खबर ये आ रही थी कि फिल्म अप्रैल 2022 में रिलीज होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि शूटिंग तो 2001 में ही शुरू होने वाली थी, पर फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर अच्छी तरह से काम नहीं हुआ था। और दूसरी बात ये है कि सनी कोविड-19 के जाल में फंस गए थे, अभी तक तो यही वजह सामने आ रही है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, हमें तो एक अच्छी फिल्म से मतलब है, तो अब देखना ये है कि कब मेकर्स रिलीज डेट अनाउंस करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, पर अगली वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि करण देओल क्यों लगा रहे हैं जिम के चक्कर। अगर आपको ये खबरें इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।